अभी नहीं मानेगा यार, मैं आई तो मानेगा ही नहीं, माने याद रखेगा हिंदुस्तान, याद रखेगा हिंदुस्तान, जय माता की, जय माता की, जय महात्मा गांधी, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमर रहे बीआर अंबेडकर, अमर रहे बीआर अंबेडकर, अमर रहे बीआर अंबेडकर, अमर रहे भगत सिंह, अमर रहे भगत सिंह, अमर रहे लाल बहादुर शास्त्री, अमर रहे इंदिरा गांधी। पीछे टिकल लो ना थोड़ा, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जय जिंदाबाद 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 माता की, जय भारत की, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। क्या है आज अमर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
अरे जी सर आजादी के 75 वर्ष में जहां मोदी सरकार में तिरंगा रही है, लेकिन कांग्रेस उन शहीदों को याद कर रही है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रही है जिसने आजादी की जंग में अपनी जान कुर्बान की, देश की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और ऐसे ऐसे हमारे जो वीर पुरुष थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दी और देश को आज़ाद कराया। हम सभी और हमारे मेवाड़ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी की याद में हमने ये गौरव यात्रा का 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम जारी है। आज हमारा दूसरा दिन है, कल हम फिर यहाँ से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता में ये एक संदेश देंगे कि हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भूलने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने देश को कुर्बानी दी, जिन्होंने देश को आज़ादी दी और जिन्होंने देश को 75 साल तक ऊंचाइयां दी, इन्हीं के लिए हम आज सड़कों पे। धन्यवाद। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। झंडा कांग्रेस का है, 50 वर्ष तक बीजेपी ने उसका अपमान किया, केवल राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए तिरंगा देकर के देश को धोखा देना चाहते हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा राष्ट्र की शान है, हम इसका सम्मान करते हैं, किंतु जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो नाटक कर रहे हैं उन नाटकबाजों को सावधान रहते होंगे, इसलिए पदयात्रा की गई है। इसलिए मैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी।